आज हमको हम आपको चांदी के हाथों के कंगन कैसे तैयार होते हैं इसकी जानकारी देने जा रहे हैं। सीखने वाले कृपया ध्यान पूर्वक सुने, देखें, समझें और इसको बनाने का ढंग सीखें। तो आपने देखा कि ये जो डिजाइन है आप बड़े ही गौर से देख रहे होंगे कि किस प्रकार से तैयार हुआ है। बहुत ही जबरदस्त डिजाइन है, लेकिन तैयार किस प्रकार हुआ है ये हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे प्रथम एक 10 ग्राम का से लेकर 15 ग्राम तक एक चांदी का टुकड़ा लेकर के उसको इतनी ही चौड़ाई रूलर में दे और उसको सीधा लगाकर लाख के ऊपर लगा दें और इसको हम जड़ाई कहते हैं। सबसे प्रथम हम उसके ऊपर डिजाइन बना लें कि जो जो फूल पत्ती का डिजाइन हमने बनाना है। अब देख रहे हैं कि किस प्रकार ये फूल पत्ती तैयार की गई है। यहाँ से गोलाई कर करके, यहाँ से ऐसे ऐसे घुमा करके हम अलग अलग तरह की, इससे भी बढ़िया, इससे भी हट करके फूल पत्तियाँ तैयार कर सकते हैं। हम डब्बे वाला डिजाइन भी बना सकते हैं, चौरस भी बना सकते हैं। किसी प्रकार का भी डिजाइन बनाना हो वो पेन से पहले लिख लें, उसके बाद जो जड़ाई के औजार हैं उसे लाख में लगा करके अच्छी तरह वो डिजाइन तैयार कर लिया जाता है और उसे फिर गोल घुमा दिया जाता है। गोल घुमाते ही उसको रूलर में गोलाई के आकार का दे दिया जाता है, ढलान के आकार का। ये देख रहे हैं ये बीच में आगे ऊपर ढलान है, नीचे प्लेन है। तो इस प्रकार का रूलर मशीन में होता है, जो प्रथम हम रूलर में दे करके फिर भी लाख में लगा सकते हैं। यदि प्रथम लाख में ना लगाना हो तो पहले रूलर में दे करके गोलाई करके उसको अच्छी तरह जड़ाई करके उसका डिजाइन बना करके उसको अच्छी तरह घुमा दिया जाए, उसके बाद अच्छी तरह इसकी धुलाई की जाए। सर्फ के पानी से भी हम इसको धो सकते हैं, लेकिन सर्फ से अच्छा जो हरीठा रहता है, हरीठे के पानी से इसको अच्छी तरह धो करके इसको फिर उसके बाद पॉलिश की जाए। पॉलिश के बाद इसके ऊपर कटिंग की जाए और कटिंग के बाद जो चमक होगी इसकी वो पहनने लायक होगी। ये खासकर लेडीज़ के लिए है, लेडीज़ इसे और बहुत ही शौक से पहनेंगी। तो आज हमने आपको थोड़ी सी जानकारी लेडीज़ कंगनों की दी और इसको इस प्रकार से देखने का, सीखने का यत्न करेंगे। ओके।